Here I am Najma Ali, lecturer of commerce at Government Girls Degree College Sakhar, presenting here lecture number 4 on business taxation for BCom part 2. Today's lecture is about income tax authorities list and the board, their powers, jurisdictions and their appointment authorities. So this income tax authorities consist of almost 13 heads or 13 authorities, including board itself. After board, there comes Chief Commissioner Inland Revenue and Commissioner Inland Revenue, Commissioner Inland Revenue for Appeals. The difference between Commissioner Inland Revenue and Commissioner Inland Revenue Appeals is that the appeals, when takes appeals from the litigants or those who are in grievances of taxes, ya wo log jinko tax ke mad mein kisi tarah ki koi bhi pareshani hai aur wo appeal dair karwana chahte hain, to unki appeal sunne ke liye Commissioner Inland Revenue Appeals hote hain. फिफ्थ कैटेगरी में हमारे पास लिस्ट में एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, उनके अंडर आते हैं डेप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू. फिर आ जाते हैं हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, स्पेशल ऑडिट जो कि स्पेशली ऑडिट करते हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड उनको जब अथोराइज करता है उसके बाद ये अपना स्पेशल ऑडिट करते हैं. ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर्स, सुपरिंटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एंड ऑडिटर इनलैंड रेवेन्यू. दीज आर द फ्यू कैटेगरीज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज विच आर वर्किंग अलॉन्ग विद द बोर्ड और बोर्ड. एंड एज यू रिमेंबर दैट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड्स, देयर चेयरमैन एंड द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ द बोर्ड. The board, as board is headed by the chairman FBR and the other authorities of members and director generals. Let's see that what are the different functions of board. Board ke wo functions kaun kaun se hain. Board ek akela insaan ya ek banda nahi hai. Board mein unke chairman, board ke aur saath saath unke memberan और वो सभी के सभी डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जिनका जिक्र हमने पिछले लेक्चर नंबर 3 में किया हुआ है. तो चेयरमैन की अथॉरिटी के साथ साथ ये सारे मेंबर्स और सभी डायरेक्टर जनरल्स मिलके ये कुछ फराइज अंजाम देते हैं जो कि इस लिस्ट में मौजूद हैं. दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्यूरिसडिक्शंस एंड पावर्स. अपॉइंटमेंट, उन सब लोगों की अपॉइंटमेंट या उन सभी अथॉरिटीज की, उन सब ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट जो के एफबीआर के जुमरे में आते हैं या एफबीआर के डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं. और जुरिस्डिक्शन, उन सब की वो लिमिटेशंस या वो हुदूद जिनके तहत उनको काम करना है. फॉर सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फॉर कराची, सो ही हैज द पावर फॉर होल कराची. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल कमिश्नर ऑफ सखर डिवीजन, so he is actually working for that Sakhar division. So that jurisdiction, that limit, that वो सारी हदूद जो है वो उनकी सखर तक ही महदूद रहेंगी. बकाया काम के लिए या उसके अलावा कोई अगर काम सखर डिवीजन के बाहर होगा तो वो अपने साथी की मदद लेके काम करवा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ बोर्ड. अगेन बार बार वही बात आएगी कि बोर्ड की परमिशन के साथ. बोर्ड एज यू रिमेंबर इंक्लूड्स चेयरमैन, देयर मेंबर्स एंड देयर डायरेक्टर जनरल्स. अच्छा, जुरिस्डिक्शन के बाद आ जाती है बात पावर्स की. तो पावर्स जो है वो जब तक बोर्ड डेलीगेट नहीं करता किसी भी ऑफिसर को, दे कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, वो उसको उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते जब तक के उनको वो पावर्स मिलते नहीं है. तो ये बोर्ड ही है जो कि हर तरह के पावर्स हैं, किस 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 को देने हैं, भले वो मेम्बरान हो उनके साथ बोर्ड के या फिर उनके जो चीफ कमिश्नर से लेके उनके ऑडिट ऑफिसर्स हों या फिर वैल्यूअर्स हों,
उन सबको जो है वो पावर जो डेलीगेट किए जाएंगे या पावर्स की जो हदें महदूद की जाएंगी वो सब के सब बोर्ड की तरफ से ही होंगी। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ बोर्ड विथ स्टार्टिंग विथ अपॉइंटमेंट। वो अपॉइंटमेंट जो है वो क्या बताती है हमें कि बोर्ड जो है वो अपॉइंट कर सकता है किस किस को। ये जो पूरी लिस्ट हमने पीछे देखी उन सबको ये अपॉइंट कर सकता है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। नाउ दीज चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यूज आर एक्चुअली अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज डिविजन एज वेल एज सर्टन टेरिटरी। वो टेरिटरी जो कि डिफाइन की गई होगी हमारे बोर्ड की तरफ से, हमारी FBR की तरफ से। कोई टेरिटरी जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट्स के उसमें आती है, जिस तरह से अगर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, सखर डिस्ट्रिक्ट आ गया, लेकिन डिवीजन एक ही होगी, तो वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर भी उनकी अथॉरिटी चल सकती है। तो ये सभी के सभी जो हैं वो अथॉरिटीज वो बेस करती हैं किसके हुक्मनामे पर, वो अगेन आपके बोर्ड के हुक्मनामे पर होंगी। तो इस तरह के जितने भी कमिश्नर्स हैं हमारे पास, एडिशनल डिप्टी या फिर असिस्टेंट या फिर कोई इंडियन रेवेन्यू स्पेशल ऑडिट ऑफिसर्स हैं या फिर सुपरिंटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, और उसके अलावा एग्जेक्टिव और मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं, ये सब के सब अपॉइंट किए जाते हैं हमारी बोर्ड की तरफ से, या फिर वो सारा स्टाफ जो कि नेसेसरी हो इन सब कामों को सरंजाम देने के लिए, उन सबको अपॉइंट करने के लिए बोर्ड के पास ही अथॉरिटी है। द बोर्ड में अलाउ एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी टू अपॉइंट इट्स सबॉर्डिनेट्स एंड सच एग्जेक्टिव्स और मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एंड स्टाफ में भी नेसेसरी। अच्छा, बोर्ड जो है वो बाकियों को अपने पावर्स जो है वो ट्रांसफर भी कर सकता है इस तरह के कि दे कैन अपॉइंट एनी काइंड ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट में हमने जिस तरह से वैल्यूअर की बात की, तो वैल्यूअर्स भी होते हैं। तो वैल्यूअर्स हैं क्या? वैल्यूअर्स कैन बी द पर्सन विच आर आउट ऑफ FBR, यानी वो FBR का हिस्सा नहीं होते, FBR के कोई ऑफिसर्स नहीं होते। वक्ती तौर पे अगर किसी भी ऑफिसर को वो अपॉइंट करें फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट और एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिटीजन, ठीक है, एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर की जो है वो प्रॉपर्टी का हमें पता नहीं चल रहा, उसका तायुन करना है कि उसकी प्रॉपर्टी भाई कितनी है और कहाँ कहाँ मौजूद है, तो वो उसके लिए हम वो टास्क जो है वो असाइन कर सकते हैं किसी ना किसी वैल्यूअर को। तो वैल्यूअर जो है हमारे पास हमारा मुख्तियारकार भी हो सकता है, मुख्तियारकार से हम वो काम निकलवाएं उनको ये कह के कि हमारे आपके पास आपके टेरिटरी में हमारे क्लाइंट की जो कुछ ज़मीनें आती हैं जो है ना उसका हिसाब किताब बताएं या उनका कितना रेंट आता है वो हिसाब किताब करके बताएं। सो सच टाइप ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटीज आर एक्चुअली गिवन टू सच स्टाफ बाय द बोर्ड। ओके, ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड कंडीशंस व्हिच अप्लाई टू द एम्प्लॉयज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, ये सभी के सभी वही रूल्स फॉलो होंगे जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी कि ये सबके सब जो हमारे ऑफिसर्स हैं ये फेडरल गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करते अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल। अच्छा, स्पेशल ऑडिट पैनल जो है वो टीम है, यानी वो मेंबर्स हैं जो कि स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करती हैं। अच्छा, इस टीम में कौन कौन मौजूद हो सकता है? अगेन, बोर्ड की ही मर्जी से कोई भी पैनल बनाया जा सकता है जो कि चेयरमैन जिसका हेड होगा, बोर्ड का चेयरमैन और जो कुछ दूसरे ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि ऑफिसर्स कहाँ से हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं इंडियन रेवेन्यू का कोई भी ऑफिसर, चार्टर्ड फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं उसके अंदर शामिल, और साथ साथ उनके फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई और बंदा FBR की तरफ से, ये सब के सब इस पैनल में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, ये पैनल करेगा क्या? दे एक्चुअली आर असाइंड सर्टेन टास्क ऑफ मेकिंग फॉरेंसिक ऑडिट। यानी एक आपने एक अकाउंटिंग या एक प्रोसीजर आपने टैक्स का लेवी करने का कर लिया, उसके बाद आपको पता चला कि हम सामने वाले ने यानी कि टैक्स पेयर ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया कि आपने गलत जो है हमारे ऊपर टैक्स लगाया है, तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि आपने उसको रीचेक करना होता है, यानी कि उसको ऑडिट करना होता है। और फॉरेंसिक ऑडिट ये होता है कि एक एक चीज की छानबीन करके आपने एक एक डेबिट क्रेडिट हर चीज की आपने उसका हिसाब किताब अकाउंट्स का वो लेके आपने फाइनल एक रिपोर्ट पेश करनी होती है, जिसमें ये आप साबित करेंगे कि हाँ आपने जो टैक्स लगाया है वो सही है या नहीं, वाकई
जो टैक्स पेयर है उसकी जो उसका जो क्लेम है वो दुरुस्त है। ओके जी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म्स ऑफ अकाउंटेंट भी जो है हमारे बोर्ड के ही हिस्से में है, यानी कि बोर्ड कर सकती है। अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिस तरह से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे पास पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी, किसी भी फर्म को अगर हायर करना चाहे बोर्ड, तो वो अपनी अथॉरिटी के साथ हायर कर सकती है। द स्कोप ऑफ सच ऑडिट इज डिटरमिंड बाय बोर्ड ऑन केस टू केस बेसिस, यानी कि अलग अलग केसेस के हिसाब से वो अलग अलग चार्टर्ड फर्म्स को हायर कर सकते हैं या कुछ केसेस के लिए वो किसी भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म्स को हायर कर सकते हैं। ओके, सो ज्यूरिसडिक्शन, द बोर्ड बाय एन ऑर्डर में असाइन द फंक्शन एरियाज ऑफ चीफ कमिश्नर इन रेवेन्यू अपील्स एंड टू ऑफिसर इन रेवेन्यू, इन सबको जो है वो उनकी फंक्शंस और एरियाज असाइन किए जाते हैं बोर्ड की तरफ से। चीफ कमिश्नर में ऑल्सो असाइन सम पावर्स टू ऑफिसर्स ऑफ इन रेवेन्यू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड। पहले भी जैसे मैंने कहा कि चीफ कमिश्नर हो या कोई भी दूसरी अथॉरिटी हो, वो बोर्ड की जो है अप्रूवल के साथ अपने ही पावर्स असाइन कर सकती है अपने बाकी ऑफिसर्स को, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को। ओके, इनकम ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू शैल एक्ट लाइक कमिश्नर ऑनवर्ड्स, यानी कि अगर कमिश्नर ने उनको अपने पावर असाइन किए तो वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो कमिश्नर के तौर पे काम कर सकता है। सच पावर शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन एक्सरसाइज्ड एंड परफॉर्म्ड बाय द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। सो मूविंग टूवर्ड्स द पावर्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड इज मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, देयर मेंबर्स एंड डायरेक्टर जनरल्स, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है वो काफ़ी पावरफुल जो है हमारी अथॉरिटी है FBR की, और इनके जिम्मे में बहुत सारे पावर्स आते हैं, जिस तरह से डिक्लेयर टैक्स पीरियड कि इस साल कौन सा टैक्स पीरियड है हमारा, ठीक है, और उसके एक्सपायर होने से पहले ही पहले पहले आपने टैक्स जमा करवा देना है या उसके रिटर्न्स फाइल करवा देने हैं। टैक्स पीरियड में किसी भी तरह की तौसी यानी कि उसको अगर एक्सटेंड करना है तो वो भी हमारा बोर्ड जो है वो उसके पास पावर्स हैं कि वो उसको एक्सटेंड कर सकता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के कौन से टैक्स पेयर की किस तरह की अकाउंटिंग मेथड से जाएगा, फैस्ब मेथड होगा, ट्रिपल ए मेथड होगा, अमेरिकन मेथड होगा, हमारा ब्रिटिश मेथड होगा, या कौन से हमारे मेथड के साथ इनकी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के साथ उनका हिसाब किताब चेक किया जाएगा। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, एज यू रिमेंबर ये सबॉर्डिनेट्स जितने भी अपॉइंट होंगे वो सब के सब जो है पावर्स हमारे बोर्ड के पास है, उनके ही अप्रूवल के साथ ये अपॉइंट किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अगेन, अच्छा अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, अब जो सर्वेयर है द पर्सन हु सर्वेज सर्वेज फॉर द प्रॉपर्टी, हाउ मच दैट प्रॉपर्टी इज एंड एट विच लोकेशन, या फिर उसका रेंट उसको कितना मिलता होगा, ये सब की सब जो है वो सर्वेयर जो है वो सर्वे करेगा, और ये सर्वेयर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा हमारे बोर्ड के अप्रूवल से। डेलीगेशन ऑफ पावर्स के कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के पावर्स वो ऑडिट ऑफिसर को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, या किसी और एग्जेक्टिव या मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, वो भी डेलीगेशन ऑफ पावर्स का अप्रूवल हमारे बोर्ड की तरफ से ही आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, अगेन ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ डिवीजन, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सर्टन लोकेलिटी, दैट इज अगेन गिवन बाय द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, काम का लोड या फिर काम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारे पास पावर है बोर्ड के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के वैल्यूअर्स जो है वो कोई भी एक ऑफिसर या कोई भी एक अथॉरिटी जो कि अदर देन FBR होती है, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया मुख्तियार कार का कि वो एज अ वैल्यूअर परफॉर्म करते हैं, यानी किसी की प्रॉपर्टी की अगर आपने एवेल्यूएशन करनी है, वैल्यूएट करके देना है और उस लोकेलिटी में आप मौजूद नहीं हैं, यानी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को वो टास्क दिया गया है और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो कराची का है, ठीक है, तो वो लेना चाह रहा है इंफॉर्मेशन मीरपुर खास की, तो वो मीरपुर खास के मुख्तियार कार से बाय द अथॉरिटी और बाय द अप्रूवल ऑफ बोर्ड वो वहां से अपना काम यानी वैल्यूएशन का उनसे निकलवा सकता है, ले सकता है। ओके, अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, अच्छा ये कौन सा काम है या ये कैसा पावर है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बट दे आर अप्रूव्ड, सर्टन आर नॉट अप्रूव्ड,
तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पर उनको अप्रूव किया जाता है बाय द बोर्ड, यानी FBR की तरफ से, कि हाँ वाकई ये वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका पैसा वाकई में ही चैरिटी में ही इस्तेमाल होता है। और फर्दर आगे चल के फिर उनके ऊपर रिबेट दी जाती है टैक्स पेयर्स को, अगर कोई टैक्स पेयर इन अप्रूव्ड शुदा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में चैरिटी करता है और वो सबूत भी अपने पास रखते हैं, तो उसके ऊपर उनको डिस्काउंट या रिबेट दी जाती है। तो सच टाइप ऑफ अप्रूवल इज एक्चुअली मेड बाय द बोर्ड, और वो उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का सर्टिफिकेट देती हैं। मूविंग फर्दर, पावर्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम्प्ट इनकम, कि ये इनकम जो है इस टैक्स पेयर की एग्जेम्प्ट है टैक्स से या नहीं है, ये भी पावर बोर्ड के पास है कि वो तयन करे कि वाकई ये जो इनकम इसने बताई गई है या जो इसकी शामिल की गई है टैक्स में, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है या नहीं है। उसका पावर भी हमारे बोर्ड के पास है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ऐसा नहीं है कि बोर्ड अगर चाहे तो वो ऑर्डिनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉरवीड कर दे या उसको उसको साइड पे करके अपने हुक्मनामे जारी करे। नो, दे हैव टू एक्चुअली फॉलो द ऑर्डिनेंस, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डिनेंस वो हुक्मनामे जारी करने के लिए सिर्फ पावर्स जो हैं वो हमारे बोर्ड के पास हैं। ओके, मेक रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स, जो भी उनके पास प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस उनकी प्री रिक्विजिट्स वो सभी के सभी हमारा बोर्ड बनाता है। अप्रूवल ऑफ फंड्स, फंड जो है वो आते हैं उनकी अप्रूवल भी जो है हमारा FBR ही देगा। सर्कुलर्स जितने भी इशू होते हैं वो बोर्ड की तरफ से, उनका पावर भी हमारे बोर्ड के पास है। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम फॉर द बोर्ड, जो बोर्ड का ऑडिट करेंगे उनकी टीम, उनकी सिलेक्शन हमारे हेड जो हैं वो बोर्ड के वो करेंगे। पब्लिश करना टैक्स पेयर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, वो भी हमारे पास पावर है हमारे बोर्ड के पास। एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स एज वेल एज अप्रूवल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और वो बाकायदा रिसर्च कर भी रहे हैं, तो उनको अगर अप्रूवल का सर्टिफिकेशन चाहिएगा होगा तो वो भी हमारा बोर्ड FBR देगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो होगा अपील्स के बेसिस पर, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू होता क्या है, उसके बाद उसकी फंक्शनिंग क्या हो सकती है अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की, और साथ साथ ये कि अपील्स करने के लिए लिटिगेंट कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ से वो अपनी अपील दायर करवा सकता है। तो दैट विल बी आर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।